तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो शारजा रमदान T20 लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का एकमात्र मैच और भाई ये प्लेट फाइनल मैच है। ठीक है, यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी वो प्लेट फाइनल का टूर्नामेंट जीत जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करें दोनों ही टीम्स की तो भाई दोनों ही टीम्स तगड़ी दावेदार लग रही, क्योंकि अगर कोई टीम फाइनल तक पहुँचती है तो भाई वो अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद ही पहुँचती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, यहाँ पर एक एक प्लेयर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी भाई पहली बार चैनल पर आ रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं इस मैच के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में। तो मैच की टाइमिंग की बात करें तो 9:30 पर मैच खेला जाएगा। अभी अगर आप देखो तो ऊपर आपको दिख रहा होगा 8:02 अभी हो चुके हैं, यानी कि 1 घंटा और 28 मिनट ही अभी हमारे पास बचे हुए हैं। जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 50 मिनट बचे होंगे। तो जब भी आपको वीडियो मिले ना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट अगर आप देखते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका लॉस नहीं रहेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट थोड़ा कम हो बट आपका लॉस नहीं रहेगा। जैसे जैसे मैं बताऊं आप वैसे वैसे टीम बनाते जाइए। और फाइनल टीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अभी जो भी हम बात करेंगे ना वो सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात करेंगे। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है। या तो आप भाई लिंक से ज्वाइन कर लीजिए जो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे रहा हूं, या फिर अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट ये यूजर नेम सर्च करोगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और एक बात और भाई, हमारे नाम पर काफी सारे फेक चैनल बने हुए हैं अलग अलग, मतलब इनसे ही मिलता जुलता आपको यूजर नेम मिलेगा, लेकिन आपको सेम टू सेम यही डालना है ताकि आप हमारे चैनल पर इजिली पहुंच सको। तो मैं आपको सर्च करके भी बता देता हूं एक बार। यहाँ पर आपको @KPM321 सिंपली बस आपको इतना सर्च करना है और आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। और यही चैनल है भाई जहाँ पर आपको हर मैच की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फाइनल टीम फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस टीम के साथ मैं खुद खेलता हूँ ना, यहाँ पर आप मेरे रिजल्ट देख सकते हो। जिस टीम के साथ मैं खुद खेलता हूँ ना भाई, वही टीम मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे CVC बता दिया या कुछ और, पूरी प्रॉपर टीम मैं आपको दूंगा। ये टीम भाई मेरी IPL की, आप देख लीजिए। रिजल्ट क्या रहेगा वो भाई बाद में पता लग जाएगा। मैंने मतलब आप देखो, पैट कमिंस को आधे लोग ड्रॉप करके आ रहे बट भाई मैंने कैप्टन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते भाई क्या होता क्या नहीं होता। बाकी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा है, डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा तो मेरे को लग रहा है विकेट निकालेगा, इसीलिए मैंने कैप्टन किया हुआ है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 मैच में से 3 मैच विन किया यहाँ पर कोलकाता चॉकलेट्स ने। इसके अलावा अजमान हीरोज ने यहाँ पर 4 मैच में से 3 मैच विन कर रखे हैं। तो दोनों ही टीम्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। इसके अलावा पिच की अगर बात करें तो बैलेंस्ड विकेट है। बैटिंग टीम को थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट बाउंड्री है क्योंकि वेन्यू भाई शारजा का है, तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट बाउंड्री रहेंगी तो इस चीज़ का फायदा बैट्समैन उठा सकते हैं। और मेनली भाई टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर एक बार हिटिंग करने लगे तो अच्छी खासी लंबी पारी खेल सकते हैं। तो जो दोनों टीम्स के ओपनर है ना, उनको भाई आप GL में कैप मतलब CVC जरूर से कर लीजिएगा, ये काम आपको जरूर से जरूर कर लेना है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर वेन्यू के रिकॉर्ड्स की, तो 41 मैच यहाँ पर टोटल खेले गए हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, दोनों ही मतलब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने भी अच्छी खासी विनिंग की है और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने भी अच्छी खासी विनिंग यहां पर कर रखी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, यहां पर जो लास्ट के 4 मैच खेले गए ना, लास्ट के 2 दिन में जो 4 मैच खेले गए, वो चारों के चारों बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन की है। तो हो सकता है भाई ड्यू फैक्टर आ रहा है या कुछ और बात हो, क्योंकि देखो मैं लाइव मैच नहीं देख रहा हूं तो मेरे को इतना नहीं पता, बट मे बी भाई यही रीजन होगा कि ड्यू फैक्टर वगैरह आ रहा होगा और इसी वजह से भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प मिल रही है। तो आप इसी फेवर में थोड़ी सी अपनी मतलब इसी फेवर को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम बना सकते हो। अब अगर दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की बात करें तो यहाँ पर भाई आप देखो, जो कोलकाता चॉकलेट्स है वो भाई यहाँ पर हरा के आ रहे हैं मिड ईस्ट मेटल्स को। तो अगर इनकी बैटिंग की बात करें तो भाई इनके ओपनर बलविंदर सिंह ने यहाँ पर 13 बॉल पर 15 रन बनाए। इसके अलावा रंजीत मानी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, रह रह के अच्छी खासी इनिंग खेलता है। लोग बाग इसे ड्रॉप करके आते हैं, आपकी टीम में मस्ट ऑफ पिक रहेगा, 100% मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना है। सपनदीप सिंह भाई काफ़ी अच्छा हिटर है, हालांकि इस मैच में जल्दी आउट हो गया बट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, 11 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई लक्ष्मण श्रीकुमार की बात करें, 16 बॉल पर 18 रन बनाए। और लक्ष्मण श्रीकुमार
भाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों पॉइंट आपके लिए बना के दे सकता है। मोहम्मद अजमल की बात करें 14 रन इन्होंने बनाए, कृष्ण कुमार ने यहाँ पर भाई आप देख सकते हो 12 बॉल पर 17 रन बनाए। इसके अलावा शाम रमेश ने भाई तूफानी पारी खेली थी लास्ट मैच के 18 बॉल पर 38 रन की, लेकिन हर मैच में आप इनसे ये उम्मीद मत कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी हिटिंग के लिए जाने नहीं जाते, हालांकि इस मैच में एक पारी अच्छी खेली है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा इन्हें सिर्फ आप अगर ट्राई भी कर रहे हो तो एज ए बॉलर ट्राई कीजिए या फिर जीएल मिनी जीएल में, इनकी बैटिंग से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ पर अगर बात कर देखिए शाम में इसकी बॉलिंग ठीक ठाक रहती है, हालांकि विकेट टेकिंग गेंदबाज है लेकिन भाई महंगे काफ़ी साबित होते हैं, और विकेट जब लेते हैं तो गुच्छों में लेते हैं, अदरवाइज लेते नहीं है। लक्ष्मण श्रीकुमार 4 नंबर पर बैटिंग प्लस भाई दो मतलब पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी, तो 2 विकेट यहाँ पर लेके गए, हालांकि इस मैच में 3 ही ओवर डाले थे। इसके अलावा रिजवान केस की बात करें तो 4 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले। ऊपर अगर बात करें तो जीशान भट्ट ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला, मनप्रीत सिंह ने 4 ओवर डाले विकेटलेस रहे, शाम रमेश भी भाई यहाँ पर विकेटलेस रहे थे। इसके अलावा मनप्रीत सिंह का बैटिंग ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पे गए भाई, नहीं भाई मैट इस मैच में काफ़ी नीचे, अदरवाइज भाई इसे हिटिंग के लिए कभी कभी ऊपर भी प्रमोट कर दिया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो दूसरी टीम है अजमान हीरोज़ की, तो उनकी भी भाई एक बार बात करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अजमान हीरोज़ भी भाई यहाँ पर मतलब अपना लास्ट मैच विन सेमीफाइनल मैच भाई विन करके आ गया है, आएगी कोई भी टीम हो। यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए बोला जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए टॉप 3 इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। अगर बात करें यहाँ पर अदनान खान की तो 22 बॉल पर 43 रन बनाए। इसके अलावा जो अदनान उल मुल्क नवाब इन्होंने भाई 31 बॉल पर 26 रन और 25 बॉल पर 24 रन बनाए फैजन शेख ने। इसके अलावा नीचे भाई आके वाजत रसूल ने अच्छी खासी इनिंग खेली, इसके अलावा भाई किसी ने कुछ खास यहाँ पर किया नहीं। अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर भाई संचित शर्मा नीचे आके थोड़ी बहुत अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, जैसे लास्ट जो आईपीएल का मैच था गुजरात का और सीएसके का उसमें राशिद खान ने की थी, भाई उस प्रकार की हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। 4 ओवर में 3 विकेट भी निकाले, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे। नव पबरेजा की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाला, नासिर अजीज ने 1 विकेट निकाला। इसके अलावा चरित निर्मल 4 ओवर डाले हालांकि विकेटलेस गए। इसके अलावा फैजल बैग भी 4 ओवर में विकेटलेस गए थे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दे देता हूं, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है भाई डेमो टीम से विनिंग नहीं हो पाएगी, फाइनल टीम का वेट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां पर डेमो टीम के बारे में। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो अदनान खान इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओपनिंग करेगा, अच्छी सीटिंग के लिए जाना जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर बात करें यहां पर आपके लिए बैटिंग में तो सेल्डन डिक्रूज की बात करें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा। यहाँ से रंजीत मानी मस्टर पिक रहेगा। इसके अलावा सपनदीप सिंह इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अदनान उल मुल्क को आप ट्राई कर सकते हो, ओपनिंग कर रहा है और रह के अच्छी खासी इनिंग खेल जाता है। यहाँ पर रंजीत मानी और अदनान मुल्क ये ज़्यादा हिटिंग के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन भाई अच्छी खासी मतलब 120-130 के स्ट्राइक रेट से अच्छी खासी इनिंग आपके लिए खेल के जा सकते हैं। यहाँ से संचित शर्मा हमारी टीम में रहेंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों पॉइंट देंगे। नासिर अजीज 4 ओवर की गेंदबाजी प्लस बैटिंग। मनप्रीत सिंह हालांकि लास्ट मैच में काफ़ी नीचे बैटिंग करने आए थे बट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, 4-5 नंबर पर कभी भी प्रमोट किया जा सकता है अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो टीम के, ये चीज आपको ध्यान में। इसके अलावा लक्ष्मण श्रीकुमार मस्ट पिक रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वहीं अगर बात करें शाम रमेश को तो एक मतलब डिफरेंशियल सी पिक रहेगा, बट अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। यहां पर अगर बात करें चरित निर्मल, अगर फर्स्ट इनिंग में यह टीम बॉलिंग करती है ना तो आप चरित निर्मल को ट्राई मत कीजिएगा, सेकंड इनिंग में बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। इसके अलावा फैजल बैग को आप ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट इनिंग में भी अच्छी खासी विकेट निकालता और सेकंड इनिंग में भी। इसके अलावा यहां से अगर बात करें तो आपके लिए मोहम्मद जीशान भट्ट और राकेश केएस आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। सीवीसी की यहां से बात कर लेते हो तो कैप्टन भाई लक्ष्मण श्रीकुमार रहेगा। वीसी की अगर बात करें तो रंजीत मानी को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहां पर मनप्रीत सिंह को आप ट्राई कर सकते हो, और यहां से देखो अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना तो भाई संचित शर्मा के साथ जा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं भाई या तो रंजीत मानी के साथ जाऊंगा या फिर भाई यहां से नीचे मनिंदर सिंह के साथ जाऊंगा। अभी के लिए मैं मनिंदर सिंह को वीसी कर रहा हूं। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजमेंट आपको करता मैं दिखूंगा, अगर इन प्लेयर में से कोई नहीं खेलता है तो उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा कि इनकी जगह पर किसको लेना क्या कुछ करना है। तो इसीलिए बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।